पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये धर्मरथ है, एक नाम है पुस्तक का धर्मरथ। ये अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इनके उपदेश हैं, वचन हैं। ये स्वामी जी यानी ये यहाँ पर वही महापुरुष हैं जो आवरण के ऊपर इनका चित्र दिया हुआ है। धर्मरथ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आदि प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती पीठा शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका जामनगर गुजरात से। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अंबिका ऑफसेट्स मीठापुर। प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निसृत वाक सुधा का सार संग्रह, यानी इनके द्वारा मुख से बोले गए ये इस ग्रंथ के वचन हैं। अब देखिएगा, इन्होंने बम्बई में 7 दिन का एक समागम किया था, 7 दिन उपदेश किए। पांचवें दिवस इन्होंने क्या ज्ञान दिया अपने संगत को, उपस्थित विद्वत बंधुओं देवियों और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी, 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्वेद है, इस वहाँ का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। दक्षिण दिशा का वेद है यजुर्वेद, उसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। पूर्व का वेद है ऋग्वेद, यहाँ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। पश्चिम दिशा का वेद है सामवेद और इस यहाँ का महावाक्य है तत्वमसी तत्त्वम असि। इन महावाक्यों का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, यह महावाक्य द्वारा संबोधित होता है। कहीं ईश्वर को पहले रख दिया, जीव के साथ उसी की एकता बतलाई गई है। अब जैसे तत्वमसी मैं तत् पदार्थ ईश्वर के पहले है और तोम पदार्थ जीव बाद में है, यानी तत्व माने परमात्मा का है, तोम माने जीव, तत्वमसी। और किंतु ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद वाचार्थ जीव है और जीव को पहले रखा और ब्रह्म को पीछे। इसकी यहाँ देखो प्रज्ञानम ब्रह्म में भी यही स्थिति है, प्रज्ञान का अर्थ जीव है, प्रज्ञानम का अर्थ जीव है और ब्रह्म वह ब्रह्म है, यानी यहाँ जीव पहले। इसको व्यतिहार निर्देश भी कह सकते, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, यह इसका अभिप्राय है। तो क्या बात क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस महावाक्य को क्यों हम समझें, क्यों इसके अर्थ पर विचार करें? तो यह समझ लेना चाहिए कि जीव की समस्या का हल ब्रह्म के बोध से जुड़ा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ये इसके हम 62 पृष्ठ को पढ़ रहे हैं, 62 पृष्ठ अब 63 पर आ गए हैं। तुलसीदास जी ने
रामायण में लिखा है, जब ते जीव हर से बिगलानो, जब से जीव हरी ते भगवान से दूर हुआ है, तब से देह गेह निज मानो, तब से इसने अपने देह को और घर को अपना मान लिया। सो मायावश ते ही विसारो, ते ही ब्रह्म ते नाना दुख पाए। स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं श्री शंकराचार्य जी स्वरूपानंद सरस्वती जी। जब से यह जीव भगवान से विमुख हुआ है, देह गेह को अपना कहने लगा है, माया के वश होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। नीचे आइए, परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, परमात्मा से मिलाएंगे हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं पहले ही प्राप्त थी, अब प्राप्त हुई। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्त ही है, उस नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया है। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वह किसी कारण से ये भूल जाए और माला खोजने लग जाए, मेरी माला कहाँ है, बहुत व्याकुल हो जाए, तो कोई बतला दे माला तो आपके गले में है, तो वह अपने गले में माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई, तो वह अप्राप्त कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई थी, कोई माला मिली, उसके न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा हमसे मिला हुआ है, केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। जब सबके हृदय में परमात्मा है, वह परमात्मा सबको प्राप्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आदि नीचे। अब हम इसको 76 प्रश्न पर आते हैं। 76 पर अब यह देखिए कि बहुत से लोग आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए बैठ गए। हम आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। यदि हम ब्रह्म को जानने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्म की जगह कोई कल्पित वस्तु ही मस्तिष्क में आएगी, क्योंकि ब्रह्म तो आपके मस्तिष्क का विषय है ही नहीं, मन और वाणी का विषय है ही नहीं, तो आएगा कैसे? और जो भी आएगा सीमित आएगा, परछिन्न आएगा, परिछिन्न। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान की विधि बतलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको ब्रह्म दर्शन करा देंगे, और जो हो भी सकता है प्रकाश जैसे दर्शन। एक हमारे यहाँ सन्मुखी मुद्रा है, उस सन्मुखी मुद्रा लगा दी जाए तो प्रकृति में प्रकाश दिखाई पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि यही ब्रह्म है और वे कहते हैं कि हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, लेकिन ब्रह्म का दर्शन आपने कर लिया तो वह ब्रह्म रह कहाँ गया? यह दृश्य हैं और दृश्य होने के कारण वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। अब देखो, विचार करो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं हमारे शंकराचार्य जी, कि कुछ आत्मशास्त्र का साक्षात्कार के लिए समाधिस्थ होते हैं और वो कहते हैं हमने प्रकाश देख लिया, और वो प्रकाश ब्रह्म नहीं है, और तुमने देख लिया तो ब्रह्म है नहीं, क्योंकि ब्रह्म दिखाई दे ही नहीं सकता, तुमने देखा है तो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। कहने का भाव इनका, आखिर में देखिए क्या रिजल्ट निकालते हैं। यह दृश्य है जो तुमने देखा प्रकाश, और दृश्य होने के कारण वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। जो ज्योतियों की ज्योति है, जितनी भी ज्योतियां हैं सबको प्रकाशित करने वाली ज्योति है, वह कभी किसी का गोचर नहीं बन सकती, कभी किसी का विषय नहीं बन सकती। जैसे जो ऐसी ज्योति है परमात्मा, तो उस परमात्मा का हम ध्यान करें। यदि हम उसको जानने का प्रयत्न करेंगे तो हम उसका कल्पित रूप खड़ा कर देंगे। इसलिए जानने का प्रयत्न छोड़कर ब्रह्म तो आप ही हैं, ये रिजल्ट दे दिया कि ब्रह्म तो आप ही हैं, यानी जीव ही ब्रह्म है। इसी पुस्तक देखिएगा धर्मरथ के प्रश्न नंबर 52-53 से क्लियर हो जाएगा। ये 52
हम शरीर को जान रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है, यानी अब विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार प्राण को हम जानते हैं, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति है श्वास, यानी प्राण को, इस श्वास को, यह प्राण है, प्राण भी हमसे पृथक है। यानी अब ये जीव और ब्रह्म को एक सिद्ध करने के लिए, ये जीव और ब्रह्म को एक सिद्ध करने का अब फार्मूला बता रहे हैं कि जीव और परमात्मा कैसे एक है। देखो, हम शरीर को जान रहे हैं, हम शरीर को जान रहे हैं तो यह इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है, हम शरीर नहीं है, यानी जीव शरीर नहीं है। इसी प्रकार प्राण को हम जानते हैं, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है यह प्राण भी प्राण है, प्राण भी हमसे पृथक है, या जीव से शरीर भी अलग और श्वास भी अलग। मन को जानते हैं, मन भी पृथक है जीव से। महात्मा लोग बतलाते हैं कि समाधि की विधि, जैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए, तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाए, शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से शरीर है और शरीर जिस समय हमारा ध्येय बन जाएगा, समझ लेना कि हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन में यह आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूँ, तो हम प्राण में चले गए, प्राण के यानी श्वास के, प्राण के साथ एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया तो थोड़ी देर बाद तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राणी की आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा, प्राण भी यानी श्वास भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूँ, तो इसका अर्थ है कि हम मन के साथ जुड़ गए। उस मन को भी देखने लग जाए तो मन भी अपनी दृष्टि केंद्रित, मन में अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए तो मन भी अपने आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि यह एक संकल्पात्मक प्रेरित करने वाला निश्चयकर्ता मैं हूँ, तो उस इसका अर्थ हुआ कि हम बुद्धि के साथ तद आत्मपान हो गए, आपनम, यानी हम उस बुद्धि के साथ जुड़ गए। अब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दें तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगेगी। जहाँ शरीर, प्राण, मन, बुद्धि इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया, यह जो झूठा मैं था, इसी को जिसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, यह मैं समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा, परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का अनुभव भी तो कोई अनुभव करता है, तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। अब जो शून्य को देख रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है, तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित ना होने दे। आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी चित्त ना करें। इस समाधि में जो अनुभव होगा उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना, यही ब्रह्म है। अब बताओ कैसे सिद्ध कर दिया? अब इन्होंने इतने बड़े प्रवचन में कैसे सिद्ध कराया है कि आप मान लो कि आप शरीर, पहले आप समझोगे कि मैं शरीर हूँ, फिर जब आप शरीर को खोजोगे, हाथ पैर ये पांच तत्वों से बना हुआ तो ये जीव नहीं है, फिर आप सोचोगे इसको संचालित कर रहा प्राण श्वास, तो आप सोचोगे कि ये प्राण ही मैं हूँ श्वास, फिर ध्यान दोगे कि श्वास भी मैं नहीं हूँ, फिर मन पर बुद्धि जाएगी, फिर के जीव, मन भी जीव नहीं है, और फिर बुद्धि पर जाती है, बुद्धि भी जीव नहीं है, फिर कहते हैं लास्ट में क्या होगा कि कति शून्य हो जाएगा, कुछ भी सोचने को नहीं रहेगा, यो जीव है, यो ये ब्रह्म है। अपुण्य आत्माओं,
ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा भगवान, और जीव ही ब्रह्म है, जीव ही करता है और जीव ही सब कुछ है। तो आचार्य जी के अपने देवता अलग हैं, शंकराचार्यों जी के देवता अलग हैं, शंकर भगवान इनके देवता, पार्वती इनकी माता है। तो भगवान शंकर की पूजा किस लिए कर रहे हैं हम, भगवान विष्णु की पूजा किस लिए कर रहे हैं? यदि जीव ही ब्रह्म है और यही सब ब्रह्मांडों का करता है, तो इन देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पूजा भी करते हैं, इनके एक एक मठ का एक एक देवता है, अभी आपने पढ़ा, और प्रत्येक मठ की एक देवी है जो उन्हीं की से संबंधित है, उनकी कथा, उनकी पत्नी है। ये पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं देवियों की करते हैं, और फिर इनका अपना क्या सोच अनुभव है कि जीव ही ब्रह्म है, वो तो दिखाई ही नहीं देता, वो दृष्टि, वो वाणी मन का विषय नहीं है, वो निराकार, वो दिखाई नहीं देता, दृष्टि में आता ही नहीं। और लास्ट में कहा कि जीव ही ब्रह्म है। अपने आत्माओं, हम पहले इस जैसे इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो यही सिद्धांत, यही थ्योरी हमारे घर की हुई थी। किसी से जिक्र करते हैं, हम भगवान विष्णु की पूजा करते, लक्ष्मी जी की मूर्ति साथ रखते, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान शंकर जी की पूजा करते, पार्वती जी की पूजा करते, इनको भगवान बताते, और फिर कहते हैं तुझे, तूने भगवान देख लिया? कहते हैं भगवान कैसा है, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो बस बस अनुभव का विषय है, और वो तो निराकार है, निराकार है। अब हमारे सिद्धांत का जो हम सोचा करते थे, ना सिर था ना पैर था। एक तरफ हम भगवान के भगवानों की पूजा कर रहे थे, और फिर कहते थे परमात्मा तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन दिखाई देता, प्रकाश दिखाई देगा, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, ऐसा हम सोचा करते थे। अब परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान से, स्वसंवेद से हमें प्राप्त क्या ज्ञान हुआ, एक बार फिर दृष्टि डालिए, ये है, यहां से देखें, यही वही है पुस्तक है, श्री श्री विभूषित श्रीश काशी विद्वत प्रसिद्ध विद्वत परिषद न्यास ग्रंथमालाय प्रथम पुष्पम आदि शंकराचार्य विरचितम। ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है, जो इन चारों मठों का सबसे पहला, यानी सबसे पहले महापुरुष हुए। मठामने महानुशासनम, ये पुस्तक, इसका अनुवाद किया है संपादक तथा भाषांतर करता है डॉक्टर के कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, और मुद्रक हैं श्री माता कम्युसिस प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी, इतना बाघ हाड़ा केदारघाट वाराणसी के। इसके 13 नंबर पृष्ठ पर कितना और एक न्यारा भेद दिया है, 12 नंबर पृष्ठ पर, ये देखिएगा क्या बताया है कि मठों की संख्या इस प्रकार, मठ ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई है, जो आदि शंकराचार्य ने लिखी है। इसमें प्रथम 4 भारत के 4 दिग्गंतों में स्थापित किए गए थे, और उनका कार्य क्षेत्र भी बतला गया है। वस्तुतः लौकिक विहार के लिए यही 4 मठ हैं, द्वारका प्रसाद, द्वारका शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिष मठ एवं श्रृंगेरी संवत मठ, ये 4 तो हैं। शेष 3 मठ जो आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखे, वो कौन से हैं, इस श्लोक नंबर 39 में लिखे हैं, परिभाषित है। उनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, अर्थात यदि किसी मुमुक्ष को किसी सद्गुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई, तो वह निर्देशानुसार अपने गुरु तथा पीठ की भावना करके
मोक्ष मार्ग हो सकता, मोक्ष मार्गी हो सकता है। इन तीनों मठों को की अलौकिक व्यवहार व्यवहारिक सत्ता नहीं है, लौकिक सत्ता न होने के कारण सुमेरु स्वात्मा एवं निष्कल आमनाओं के आचार्य योगपट और ब्रह्मचारियों के नामों की निरुक्तियां नहीं है। आगे देखो, अब इनके पूर्व चारों मठों की स्थिति अक्षेत्र तो भूतल पर बताए गए हैं, जो भारत के चारों भागों में अवस्थित हैं। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व दशा तो ऊपर है, आकाश में स्वर्ग तथा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इस प्रकार चारों मठों के ऋग्वेद यजुर्वेद आदि चार वेद बतलाए गए हैं और ऊर्ध्व आमने सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 में कहा गया है। चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब पुण्यात्माओं एक विचार करो, आदि शंकराचार्य जो इस शंकर मत के जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है और उन्होंने लिखा है कि सात मठ हैं, चार मठ तो ये आपको बताए दिए और तीन ऊपर बताए हैं ऊपर के लोक में, और इन चारों के वेद भी बता दिए, और उन तीनों के जो वेद है वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म आपने देखा, फिर देख लो। इस प्रकार ये 12 पृष्ठ पे, इस प्रकार चारों मठों के ऋग्वेद यजुर्वेद आदि ये चार वेद तो बतलाए गए हैं, अथर्वेद और वो ऋग्वेद आदि। ऊर्ध्व आमनाएं ऊपर के मठ सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद बताया है, सूक्ष्म वो श्लोक नंबर 42 में कहा, इस ग्रंथ में, इसी ग्रंथ के मठ कामनाए, या देखना ये मठ कामनाए महानुशासनम, ये एक ग्रंथ है जो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा है, उसमें ये विवरण दिया है कि उसके विषय और अधिक ज्ञान जो है सूक्ष्म वेद में है, उस सूक्ष्म वेद का विवरण श्लोक नंबर 42 में है। चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का वेद, इस सूक्ष्म वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब वो सूक्ष्म वेद कौन सा है, ये दास बताएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारे जो पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय माननीय शंकराचार्य जो वर्तमान के जी हैं, वर्तमान के हैं, ये सूक्ष्म वेद से अपरिचित हैं। अब सूक्ष्म वेद ये दास बताएगा। अब सूक्ष्म वेद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अभी श्लोक नंबर 25 से 31 30 तक जो साधनाएं साधक करते हैं उनके विषय में जो जानकारी दी गई है, इस प्रकार के और भी बहुत ज़्यादा विस्तार में है, इस प्रकार के यज्ञ अर्थात अनुष्ठान विधि साधना के तरीके, साधना यज्ञ माने साधना, उस सचिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में कहे गए हैं। और वो कर्मों से कर्म काम करते करते, कर्मों के कार्य करते करते उनका अनुष्ठान, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 3 से लेकर और 8 तक स्पष्ट किया है कि जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके जो साधना करते हैं, वो दंभ करते हैं, ढोंग करते हैं, वो कोशिश करते हैं इंद्रियों को रोकने की, मन कर्म इंद्रियों को रोक लेते हैं, लेकिन मन ये ज्ञान इंद्रियां फिर भी अपना कार्य में लगी रहती हैं, वो रोक नहीं पाते। इसलिए यदि तू, इसलिए कर्म योग ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। और यदि कर्म योग है कि काम करते करते भक्ति करे, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, इससे सिद्ध है कि काम करते करते साधना होती है। तो इस प्रकार बताया है कि यदि तू एक जगह बैठकर हठ योग करके बैठ गया, तेरा निर्वाह क्यों करोगा। तो कहने का भाव ये है कि वो
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा है, वो सबसम वेद है, उस वेद उस सचिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उस तत्व ज्ञान कहो उसे सबसम वेद कहो, उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, वो तुझे वास्तविक ज्ञान बताएंगे। इसे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी में वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, ब्रह्म तक का ज्ञान है। यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर और अपना मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर स्मरण कर। यानी काम करते करते, यही सबसम वेद में भी कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सीती लागवे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 को हम पढ़ेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 1 से हम प्रारंभ करते हैं। 1 से प्रारंभ करते हैं, अध्याय नंबर 7 अध्याय। इसमें क्या लिखा है, प्रथम में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तचित तथा अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम संपूर्ण विभूति में बल गुण से युक्त से सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो जैसे जो मुझे समझेगा ना, वो ज्ञान तुझे बता दूंगा कि संशय रहित समझेगा इस जो 7वें अध्याय में। अब 7वें अध्याय में जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, इससे तू निरसंशय होकर मुझे जान जाएगा मैं के हूँ, यानी क्या क्या व्यवस्था मेरी। अब तीसरे दूसरे में बताया है अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा। ज्ञानम है ये, तत्व ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को मैं संपूर्णतः कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कहते हैं ईव 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर जानने की इतना और कुछ आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कमाल कर दिया इस ज्ञान में। अब देखो तीसरे में क्या कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यत्न करने वाले योगी में भी कोई एक, योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण मुझको तत्व से जानता है, तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। यानी मेरी भक्ति तो करते हैं पर मुझे उन योगियों में तत्व ज्ञानियों में मुझे कोई एक ही तत्व से जानता है कि मैं के हूँ, मैं कितनी स्थिति का हूँ, कितनी अक्षमता है मेरी। अब चौथे में कहा है, 5वें में, चौथे और 5वें में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और महाभाव इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव भूता जीव रूपा प्रा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब छठे में कहा कि ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत जितने प्राणी हैं इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय का अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ, प्रभाव और प्रलय का कारण हूँ। अच्छा, इससे हमने एक तो ये सिद्ध हो गया कि प्रकृति 2 हैं, एक तो ये 8 प्रकार की बता दी न्यारी, जल पृथ्वी आकाश अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार आदि से ये 8 प्रकार बन गई, और एक दूसरी और प्रकृति है जो दुर्गा है, 2 प्रकृति होगी। अब आगे हम चलते हैं, अब हम 12वें श्लोक को पढ़ते हैं, 7वें अध्याय के अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 से। अब गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है,
और भी जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, सद्गुण से और रजोगुण और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ हमने एक विशेष निर्णय लेना होगा कि ये गुण क्या है, रजगुण कौन है, सद्गुण कौन है और तमगुण कौन है, ये गीता ज्ञान दाता कौन है, ये महाशिव है, सदा शिव है, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, इसको 100,000 मानव श्रीधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा, रजगुण ब्रह्मा को रजगुण युक्त, विष्णु जी को सद्गुण युक्त और शिव जी को तमगुण युक्त। रजगुण ब्रह्मा है, सद्गुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सारांश है और ये कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्द इसमें ज्यादा है, तो इसको तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब सबसे पहले हम श्री शिव पुराण से देखते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री शिव पुराण, संपादक अनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम इसके 110 पृष्ठ पर देखते हैं, ये पूरा विवरण देकर के रुद्र संहिता का अध्याय नंबर ये 10, अध्याय नंबर 9 में पृष्ठ नंबर 110 पर ये अध्याय 9 यहाँ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सतगुण है और रुद्र यानी शिव ये शंकर महेश तम गुण है, इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव, ये शिव कौन है, ये काल है, ज्योति निरंजन ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब आइए 86 पृष्ठ पे, ये प्रश्न नंबर 86 है और संक्षिप्त शिव पुराण है और ये रुद्र संहिता, इसमें कहा है हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव ही के अंग से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा इसे सिद्ध हो जाए कि हमारे जो पूर्व के गुरुदेव थे वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, इससे क्या सिद्ध होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता द्वितीय खंड सती खंड पृष्ठ 137 पर, यहाँ आज ये नीचे ब्रह्मा जी ने कहा मुने देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है, तुम यह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप प्रतिष्ठित थे, फिर वे भी प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके सतीत हुए, उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। अब देखो ये शिव को निराकार मानने हैं और वही कहते फिर साकार हो गया और भगवती उसके साथ होगी, विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे, उनके मन में कोई विकार नहीं था, वे अपने प्रातपर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्र प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु पालन करने लगा और स्वयं रुद्र ने संहार कार्य संभाला। इसे सिद्ध हो गया कि तीन परमात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं इस शिव से,
अब हमने जो सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, और ये शिव, ये इन तीनों से अलग है, जो शिव है वो काल है। अब देवी भागवत इसे स्पष्ट करेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुर्गा के पुत्र हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके हम केवल 123 पृष्ठ आपको दिखाएंगे, 123 पृष्ठ पे काफी हमारा जो है ना इसे प्रमाण सिद्ध हो जाता है। पृष्ठ 123 पे यह है तीसरा स्कंध। ब्रह्मा भगवान विष्णु जी दुर्गा की स्तुति महिमा कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और त्रोभाव अर्थात मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी के अंदर आपको काम आएगा, प्रकृति शब्द या दुर्गा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये चौथा जो ब्रह्म है जिसको सदाशिव भी कहते हैं, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, जिसको महाब्रह्मा भी कहते हैं, ये काल है, ये ब्रह्म है, ये इनसे भिन्न है। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो ये चौथा है, यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म, ये सदाशिव कहो, इसे महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, ये जो चौथा ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, ये गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे, गीता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह ये जो ब्रह्मा विष्णु से भिन्न जो है वो बोल रहा है। अब देखिए रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, विशेष और वर्णन ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, ये अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम स महात्यम खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे सकंद पर हम आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके यहाँ हम प्रश्न नंबर 11 पर हम देखेंगे, ये प्रश्न नंबर 11 है और अध्याय 5 में, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ेंगे हिंदी में। ये सातवां समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ हुआ। हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। स्पष्ट हो गया कि मैं तो तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु सतगुण। अब यहां संस्कर देखेंगे, सातवां श्लोक समाप्त होता, आठवां प्रारंभ होता। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, शंकर भगवान कहते मैं कैसे बना दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया संभव, विहित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
अब ये सिद्ध क्लियर हो गया कंसेप्ट, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब हम पढ़ेंगे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। अब जिन देवताओं की हमारे आदरणीय माननीय शंकराचार्य जी पूजा करते हैं, उनकी पूजा के करने वालों को गीता जी क्या बता रही है, ये दास नहीं बोल रहा, पवित्र गीता जी हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, जो हमारा विधान है प्रभु का, और वो हमें मानने होगा और मानना चाहिए। ये दास अभिमान नहीं कर रहा कि मैंने कोई नई खोज, यानी मैंने कोई नई देन कर दे दी समाज को, ये तो सदग्रंथों में विद्यमान थी, दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने मेरी आँख बना दी, मेरी आँखों का अज्ञान रूपी आँखों का ऑपरेशन करके वो मोतिया बंद समाप्त कर दिया, अब मुझे स्पष्ट दिखाई देने लग गया, और अब ये दास आप सभी के उस अज्ञान रूपी आँखों का मोतिया बंद का ऑपरेशन इस सतलोक आश्रम में करता हूँ, मैं डॉक्टर बना दिया भगवान ने, इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है और साथ में सीडी आदि बना करके साथ आपको दी जाती हैं, पुस्तकें बनाई गई हैं, ताकि आप भी इनको दोबारा बार बार पढ़ो, ताकि आपका अज्ञान का मोतियाबिंद समाप्त हो और सारे समाज को, सारे समाज का ये मोतियाबिंद समाप्त करने की दास की इच्छा है, प्रभु पूरी करेगा। अब देखिएगा वही अध्याय नंबर 7 पर हम आ जाते हैं, श्रीमद्भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7। अब श्लोक नंबर हम 12 से फिर प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपने श्री शिवपुराण में 9वें अध्याय में 110 पृष्ठ पर देखा कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रुद्र, और वो शिव इनसे अलग है, वो गुणातीत माना गया है, वो इनसे भिन्न है, यही गीता बोलते समय वो स्वयं कह रहा है, वो चौथा जो भगवान है तीनों से नारा, कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु से सतीथि, तमगुण शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। इनका कहते हैं ये मुझसे ही होने वाला जान, क्योंकि इस काल को, इस सदा शिव को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया, और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। आगे देखो अब 13वें में क्या बताया है, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन गुणों से परे, इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो भगवान शिव है, ये काल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये पूरा संसार, कहते हैं पूरा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही ज्ञान रखता है, मेरे बारे में ये विशेष ज्ञान नहीं रखता, मुझसे परिचित नहीं है, इसलिए तो इसको निराकार निरुकुर कह करके अपना थ्योरी बंद कर दी। आगे देखना 14 में अध्याय नंबर 7 पवित्र गीता जी श्लोक नंबर 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुष्टर है, खतरनाक है, परंतु जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी मेरी पूजा करते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से ऊपर उठ जाते हैं, इसका कहने का भाव ये है। आगे लिखा है अब ये तीनों गुणों का जिक्र चल रहा है, 15वें में स्पष्ट कर दिया, इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है, इनसे आगे नहीं कोई साधना करना चाहते, माया के द्वारा इस ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर इन्हीं की साधना में जो उलझे हुए हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अब पुण्यात्माओं, अब ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा करने वालों को
जिनकी बुद्धि इन्हीं तक सीमित है, जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों देवताओं तक के द्वारा हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की पूजा नहीं करते, ना मानते ना सुनते। कहते हैं वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, वो चौथा भगवान कहता है, वो ब्रह्म कहता है। वो ब्रह्म कह रहा है कि ये मेरी पूजा भी ना करते, इन्हीं की पूजा में लगे हैं तीनों देवताओं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी तक। अपुण्यात्माओं, थोड़ा सा यहाँ विवरण देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे लिखा है कि रजगुण, इन रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी के पुजारी, और इनको ऐसी चार उपमा दी गई है, किन कारणों से, इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की उपासना की सतगुण विष्णु से शत्रुता मान कह के, उस भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को मारा था बरहा रूप धर के, उसके बाद से हिरण्यकशिपु ने विष्णु की साथ विष्णु से दुशत्रुता कर ली और ब्रह्मा रजगुण की उपासना की और उससे वर मांग लिया, सुबह मरू ना श्याम मरू, दिन मरू ना रात मरू, पशु पक्षी से ना मरू, 12 महीनों में ना मरू, तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने, रजगुण ब्रह्मा ने। उसके बाद उसने अपने आप को प्रभु मान लिया और कह दिया कि कोई भी राम नाम नहीं कहेगा, हिरण्यकशिपु का नाम जाप करो, मैं ही अब मालिक हो गया, मैं कभी नहीं मरूंगा। अब उसने कैसे कर्म किए, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र भक्त प्रह्लाद का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मरिया। अब तमगुण भगवान शिव की पूजा किसने की थी, एक भस्मागिरी नाम के संत ने, एक भस्मागिरी नाम के साधक ने 12 वर्ष तक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के महल के सामने, द्वार के सामने, ऊपर को पैर सिरासन पर खड़ा होकर के 12 वर्ष घोर तप किया। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। भस्मागिरी क्या मांगा, भस्मागिरी ने कहा प्रभु वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। भगवान विष्णु ने कहा मैं वचनबद्ध हो गया, बोल क्या मांगता है। कि भस्मागिरी खड़े हो गए जब कहने लगा कि आपके हाथ में जो भस्म कड़ा है ये भस्म कंडा मुझे दे दो। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि साधु संत है, जंगल में रहता, अपनी सुरक्षा के लिए मांगा होगा, निकाल के भस्म कड़ा दे दिया। अब उस दुष्ट आत्मा के मन में क्या था, भस्मागिरी में उसके मन में ये थी कि मैं तपस्या करके भस्म कंडा भगवान शंकर से लूंगा और भगवान शंकर जी को भस्म करूंगा, मार दूंगा और पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसी दृष्टि, उसी उद्देश्य से भस्मागिरी ने कहा कि होले शंकर होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, यही उद्देश्य था मेरा तेरी तपस्या करने का, तेरी पूजा करने का, तेरी भक्ति करने का। और यूं कहकर विकराल रूप धारण करके जैसे भगवान शिव की तरफ भस्म कड़ा किया तो भगवान शिव जी वहां से भाग लिए, अपनी जान बचाई। आगे आपको विदित है कि भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया विष्णु जी ने ऐसा, और फिर आकर के उसको गंडत नाथ नचा करके भस्मागिरी को भस्म किया। तब भगवान शंकर जी के पास जाकर के, जब भगवान शंकर दौड़े जा रहे थे तब उनको जाके भगवान विष्णु ने रोका कि महात्मा जी रुको, भगत भगवान रुको। भगवान ने कहा कि भाग ले तू, मेरे पीछे पीछे आ जा, उस दुष्ट ने मेरे से भस्म कंडा ले लिया है। कहने का भाव ये है, यही समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। अब देखो, पहले तो भगवान शंकर अविनाशी नहीं, इनको मृत्यु का कोप है, मृत्यु का भय है और डर के मारे ये भाग लिए। और दूसरा प्रसंग हम अपना जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते थे कि तमगुण शिवजी के पुजारी अपनी ईष्ट देव की पत्नी पे
और उस पर बदनीत इस अपनी माँ के ऊपर दुष्ट दुष्टता उसके अंदर मन में थी, इस दुष्ट कर्म और क्या होगा। ये दूषित कर्म करने वाले मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे ओए होए। और ये कहते मेरी भक्ति भी ना करती। अब रावण ने तपस्या की थी, तमगुण शिव की साधना की थी, भक्ति की थी, सर्वविदित है, वो क्या उपमा को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। और कैसा कर्म कर दिया कि अपनी माँ को, त्रिलोक जननी को, सीता जी को उठा लिया, उसको पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा। अरे तेरा गजब हो। पुण्यात्माओं, ये दास एक बार तो बुरा लगेगा आपको, श्रोताओं को जो पहली बार आया होगा, कि यो बेरानी पता नहीं कितने नई नई खोज करके ल्यावर इसी बूंदी किसी कसूती कड़वी का है। पुण्यात्माओं, ये कुनीन है, कुनीन कड़वी, कुनीन की एक मेडिसिन होती है जो मलेरिया को दूर करती है। अब वो कुनीन खाने में कड़वी है लेकिन जीवनदाता है। ये तत्व ज्ञान रूपी सत्य, ये कड़वा सत्य एक बार आप घूट गए हिम्मत सी करके, तो फिर देखना आपको कितना आनंद आएगा। आपका जन्म मृत्यु का रोग कटेगा इस कड़वी सत्य को स्वीकार करने से। अब तीसरा एक उदाहरण दास आपको देगा जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, एक समय बहुत 350 वर्ष पहले की बात है, हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पर कुंभ के मेले का संयोग हुआ और हर की पैड़ी पर उसकी पर भी बताई गई कि वहाँ स्नान जो करेगा उसका उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो वहाँ क्या करते हैं ये तीनों गुणों के उपासक, जितने गिरी पुरी आदि हैं, ये नागा, ये भगवान शिव के पूजा तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णो जो होते हैं विष्णु जी के उपासक, ये सभी अपने वहाँ हरिद्वार में पहुँच गए। स्नान करने से पहले 2-3 दिन पहले ये इकट्ठे होने लग जाते हैं, अपने अपने ग्रुप में ये एकत्रित हो जाते हैं, और फिर वहाँ से सभी इकट्ठे होकर के पूरी मंडली चलती है, हजारों कई हजारों की संख्या में अलग अलग समुदाय उस स्थान पर स्नान करने के लिए, जो हर की पैड़ी पर जहाँ पर भी लगी होती है, किसी भी सरोवर में स्थान पर, वहाँ ये स्नान करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। उस समय क्या हुआ कि पहले नागा जो बिल्कुल नग्न रहते हैं वो पहुंच गए हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए। सबसे पहले जाकर उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया, खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णो साधु जो विष्णु जी के उपासक वो पहुंच गए, उन्होंने कहा नागाओं को जो तमगुण शिव के उपासक है, कहा कि नागाओं तुम अभी स्नान नहीं करोगे, हम विष्णु जी के उपासक हैं, सतोगुण भगवान के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, तुम बाद में करना, तुम हमारे से छोटे हो। अब नागा कहने लगे नहीं, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र हैं, हम किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, हम त्यागी और बैरागी हैं। वैष्णो साधु कहने लगे तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो, तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फिरडो, बाहर मरो, बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब टांग ली बा भाई, किसके स्नान करें थे, वह गुट्टम गुट्टा मुक्कम मुक्का, किसे की चोटी, किसे की जटा लटम, फिर तलवार निकाल ली, कटारी ने सीधे चक्कू गौंप दिए और तीर ठोके एक दूसरे के। ओए होए, महाभारत का दूसरा विकल्प, दूसरा प्रारूप हो गया। 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, वहां कट का मर गया, आपस में कतलेआम कर दिया। ओ तेरा गजब। इसके विषय में उस सब सूक्ष्म वेद में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है। और जैसा कि अभी आपने ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए मठ आमनाए महा अनुशासनम नामक ग्रंथ में, उसमें भी सूक्ष्म वेद का, सूक्ष्म वेद का प्रमाण है, लेकिन वर्तमान के हमारे
पवित्र हिंदू धर्म के गुरु लोग नहीं जानते उस सूक्ष्म वेद को, ये दास बताएगा जो परमेश्वर ने आकर बताया हुआ है। उसमें क्या लिखा है भाई, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कहावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, तीर तुपक तलवार, तलवार से एक दूसरे ने काटे कतलेआम कर दिया, और कटारी छुर्रा होता है इतना लंबा पुरानू को थी, कहते नो ठोक दिया कि दूसरे अरे तेरा गजब हो यो। तीर तुपक तलवार कटारी और दम धड़ जोर बधावे हैं, यानी डट कर लड़े हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना अरे तेरा गजब हो यो। हर की पैड़ी कहो भगवान में प्यार भी कोनी, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे ऐसों के जो शरण में जाते हैं, जो इनके इनको गुरु बनाते हैं, ऐसे संतों के जो इनको जो महात्मा मान के इनकी शरण में जाके इनके द्वारा दी गई साधना करें, कहते हैं उनको भी नरक ले जाते हैं ये ऐसे व्यक्ति। अपुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ इसका प्रमाण करें बता रहे हैं। अभी गीता जी के हमने 15वें श्लोक तक पढ़ा है, 7वें जाएगी अब 16, 17, 18 और 19। ओए होए, आगे और कमाल कर रखा है, लेकिन अब समय का अभाव है, आने वाले समय में आपको फिर समझाएंगे। बोलो सतगुरु जी।